हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं लाइसोसोम की। तो सबसे पहले बात करते हैं लाइसोसोम की खोज किसने की थी। लाइसोसोम की खोज सर्वप्रथम बेल्जियन साइटोलॉजिस्ट और बायोकेमिस्ट क्रिश्चियन डी डूबे यानी सी डी डूबे ने 1958 ईस्वी में खोजा था तथा इन्हें 1974 ईस्वी में नोबेल प्राइज भी दे दिया गया था। यह गोलाकार यानी स्फेरिकल होता है जिसका व्यास 0.4 माइक्रोन से 0.8 माइक्रोन तक होता है। इनमें एसिड फास्फेटेज एंजाइम भरे होते हैं तथा इसे आत्मघाती शैली या सुसाइड बैग भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।